हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 यूरोपियन कोलोनियलिज्म। ओके एंड दिस इज़ आवर फोर्थ लेक्चर गाइस। सो आई होप यू गाइस हैव सीन प्रीवियस 3 लेक्चर्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी 2.3.2 ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ओके सो या इन द 18th सेंचुरी द फर्स्ट कॉलोनी ऑफ द प्रिजनर्स डिपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड वॉज एस्टैब्लिश इन ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे फर्स्ट कॉलोनी जो बनी थी ऑस्ट्रेलिया में वो 18th सेंचुरी में बनी थी, और वो किसकी थी? प्रिजनर्स की। प्रिजनर्स कौन होते हैं? जेल के जो कैदी होते हैं। ओके सो जो जेल के कैदी थे इंग्लैंड के, उनको डिपोर्टेड यानी कि फोर्सफुली ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया गया था, और फर्स्ट कॉलोनी उनकी ही थी। लेटर इन द 19th सेंचुरी अदर रीजन्स इन ऑस्ट्रेलिया वर कॉलोनाइज। तो उसके बाद जो प्रिजनर्स की कॉलोनी थी, उसके बाद 19th सेंचुरी में और भी जो ऑस्ट्रेलिया के रीजन्स थे वहाँ पे भी क्या हो गया? कॉलोनाइज हो गया। द ब्रिटिश ऑल्सो एस्टैब्लिश देयर कॉलोनीज इन द आइलैंड ऑफ तंपानिया एंड न्यूजीलैंड। ब्रिटिशर्स ने अपना कॉलोनी कहाँ पर बनाया? आइलैंड तंपानिया में बनाया, और न्यूजीलैंड में भी बनाया। इन द ईयर 1900 द आइलैंड ऑफ तस्मानिया वॉज इंक्लूडेड एंड द रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रेलिया वॉज क्रिएटेड एज एन इंटेग्रल नेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो इन द ईयर 1900 में क्या हुआ कि आइलैंड जो था तस्मानिया का, वो ब्रिटिश के कॉलोनीज में इंक्लूड हो गया, यानी कि धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स ने ऑस्ट्रेलिया में भी अपनी बहुत सारी कॉलोनीज बना दी, और ऑस्ट्रेलिया भी एक इंटेग्रल, इंटेग्रल मतलब होता है कि इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ब्रिटिशर्स का एक इंपॉर्टेंट एम्पायर बन गया ऑस्ट्रेलिया भी। A bicameral parliament was established. A governor general was appointed in Australia by the British king as a viceregal representative. तो bicameral मतलब मैंने आप लोगों को previous lecture में भी बताया था कि bicameral मतलब होता है कि जहाँ पे legislative जो होते हैं वो divided होते हैं two houses में, okay? So ये भी हो गया था वहाँ पे, और गवर्नर जनरल भी अपॉइंट कर लिया था। गवर्नर जनरल अपॉइंटेड इन ऑस्ट्रेलिया बाय द ब्रिटिश किंग एज अ वाइसरेगल रिप्रेजेंटेशन। वाइसरेगल कौन होता है? जो सारी सोसाइटी में, कॉलोनीज में जो भी चीज़ें होती है उसकी रिपोर्ट किसको पहुँचाता है? किंग को पहुँचाता है। तो वो भी अपॉइंट कर लिया था ब्रिटिशर्स ने ऑस्ट्रेलिया में। ओनली यूरोपियंस इमिग्रेंट्स वर अलाउड टू एंटर ऑस्ट्रेलिया। तो खाली यूरोपियंस जो थे, इमिग्रेंट्स होता है जो नेटिव यूरोपियंस थे, ठीक है, जो ओरिजिनली यूरोप से ही बिलोंग करते थे, वही ऑस्ट्रेलिया में एंटर कर सकते थे, उनको ही अलाउ था। ओके इन 1907 न्यूजीलैंड वॉज अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ एन ऑटोनोमस स्टेट विद द ब्रिटिश एम्पायर। तो न्यूजीलैंड को अकॉर्डेड यानी कि न्यूजीलैंड को मिल गया था स्टेटस ऑटोनोमस स्टेट का। ऑटोनोमस मतलब क्या होता है? कि फ्रीडम। ओके फ्रीडम उनको जो करना है कर, जैसे अपने इंटरनल अफेयर्स मैनेज करने वो वैसे करेंगे, ये हो गया था। लेकिन वो था किसका कॉलोनी? ब्रिटिशर्स का ही था, लेकिन न्यूजीलैंड क्या था? ऑटोनोमस स्टेट था, लेकिन वो ब्रिटिशर्स का ही एम्पायर था। ओके द ब्रिटिश सेटलर्स इन न्यूजीलैंड द ब्रिटिश सेटलर्स इन न्यूजीलैंड अडॉप्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो भी लोग यूरोपियंस जो भी आए थे और न्यूजीलैंड में सेटल हो गए थे, उन लोगों ने डेमोक्रेटिक सिस्टम अडॉप्ट किया था, यानी कि वो लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुनेंगे? बाय वोटिंग। द मेजर्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर सच एज कॉमन राइट टू वोट। तो देखो इतनी सब चीज़ें हो गई थी, लेकिन थोड़ा बहुत लोगों के लिए भी अच्छा हो रहा था। क्योंकि क्यों अच्छा हो रहा था? क्योंकि क्या था वहाँ पे? यूरोपियंस जो थे ओरिजिनली जो यूरोप से बिलोंग करते थे, वो वहाँ पे न्यूजीलैंड में आके सेटल हो रहे थे। अब उनको तो कुछ अपने लोगों के लिए तो वो अच्छा करेंगे ही ना, तो वो लोग पब्लिक वेलफेयर के लिए भी कर रहे थे। ओके सो पब्लिकों के लिए क्या उन लोग अच्छा कर रहे थे? कॉमन राइट टू वोट, पब्लिक रेलवेज, फायर एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस, पेंशन फॉर द ओल्ड, कंपेंसेशन टू वर्कर्स वो गॉट इंजर्ड और डाइड बाय ड्यूटी एट्सेट्रा वर इम्प्लीमेंटेड। तो ये सारी चीज़ें न्यूयॉर्क न्यूजीलैंड में शुरू हो गई थी, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ा, कॉमन राइट टू वोट, पब्लिक रेलवेज, फायर एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस, पेंशन फॉर द ओल्ड, कंपेंसेशन टू वर्कर्स वो गॉट इंजर्ड बाय डेथ। ओके ओनली यूरोपियंस माइग्रेंट्स वर अलाउड टू सेटल डाउन इन द न्यूजीलैंड। यहाँ पर भी क्या होता है कि खाली कौन आकर सेटल कर सकते हैं अपने आप को न्यूजीलैंड में? सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस। ओके नाउ एशिया। टू प्रोटेक्ट देयर कॉलोनीज इन इंडिया फ्रॉम अदर कॉलोनीज यूरोपियन नेशंस एंड टू बूस्ट द ट्रेड इन इंडिया एंड द नेबरिंग रीजन्स वर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स। तो देखो अब हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके, बट मैं आप लोगों को एक बार और रिपीट करके बता देती हूँ कि पहले क्या हुआ था कि यूरोपियंस सारे क्या करते थे कि हमको सबसे आगे किसको रखना? यूरोपियंस को। बात क्या रही थी? यूरोपियंस। ऐसे नहीं था कि फ्रांस, पोर्चुगल, स्पेन, ऐसे नहीं था। क्या बोल रहे थे वो लोग? सॉरी,
कि यूरोपियंस को सबसे आगे रखना है, लेकिन अब क्या बोल दिया कि यूरोपियंस ने यूरोप के अपने अपने स्टेट सब लोग अपना अपना देखेंगे, पोर्चुगल अपना देखेगा, स्पेन अपना देखेगा, फ्रांस अपना देखेगा, ऐसे सारे अपने देखेंगे। तो उन लोगों में आपस में ही कॉम्पिटिशन था और उन लोगों को ये डर था कि कहीं कोई और ना ले ले जो लैंड हम लोगों ने नहीं लिया। और इंडिया जो था उस इंडिया से और इंडिया के नेबर कंट्री नेबर रीजन से ट्रेड शुरू करने के लिए वहाँ पर भी अपना ट्रेड करना, क्योंकि वो बहुत यू नो मेन मार्केट्स थी वहाँ पर। इसीलिए वो लोगों का मेन एम क्या था कि हमको इंडिया और इंडिया के आसपास के जो भी रीजन है वो हमको रूल करना है ताकि हमारा वहाँ पर ट्रेड और अच्छा हो जाए। ओके, म्यांमार। म्यांमार इज इंडियाज नेबरिंग कंट्री ऑन इट्स नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री। तो म्यांमार हमारी नेबर कंट्री और ये कहाँ पर है, इंडिया की नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री पे। अर्लियर इट वॉज नॉन एज ब्रह्मदेश बुर्मा। द ब्रिटिश वॉन्टेड टू एस्टेब्लिश देयर कंट्रोल इन बुर्मा बिकॉज इट वॉज रिच इन नेचुरल वेल्थ एंड वॉज ऑल्सो अ पोटेंशियल मार्केट। तो ब्रिटिशर्स को यहाँ पर भी अपना स्टैब्लिश करना था, कॉलोनी क्यों स्टैब्लिश करना था, क्योंकि ये बहुत ही यू नो नेचुरल वेल्थ यहाँ पर बहुत ज़्यादा था और बहुत ही अच्छी पोटेंशियल यानी कि कैपेबल मार्केट थी, ठीक है, जिससे उन लोगों का ट्रेड और बूस्ट हो सकता था। द रॉयल डायनेस्टी ऑफ म्यांमार हैड सक्सेसफुली कंसोलिडेटेड द कंट्री अंडर देयर रूल। तो जो रॉयल डायनेस्टी थी, जो भी लीडर्स थे म्यांमार के, उन लोगों ने अपना बहुत ही सक्सेसफुली यू नो बहुत ही अपने आप को फार्मली स्ट्रांगली इस्टेब्लिश किया था अपना रूल वहाँ पर। और इट ऑल्सो कॉन्क्यूडेड मणिपुर इन 1813। देखो उन लोग ने अपने आप को बहुत ही यू नो स्ट्रांगली इस्टेब्लिश किया था और उन लोगों ने कॉन्कर यानी कि कॉन्कर मतलब क्या होता है कि कब्जा कर लेना। ओके, सो उन लोगों ने मणिपुर भी जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी उसको भी कैप्चर कर लिया था 1813 में। इन 1822 दे अटैक्ट आसाम और 1822 में उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने आसाम को भी अटैक्ट कर दिया था। ब्रिटिश वर अलर्ट बाय द बर्मिस अटैक्स हैंस द लॉर्ड एमर्स द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट म्यांमार। तो देखो ब्रिटिशर्स की मणिपुर भी उन लोगों ने कॉन्केयर कर लिया था, उसके बाद आसाम भी अटैक्ट करे। अब क्या हुआ कि ना ब्रिटिशर्स अलार्म हो गए, अलर्ट हो गए कि इन लोगों का बहुत ज़्यादा हो रहा है, चलो अभी इन लोगों को बताते हैं। ओके, सो इन लोगों ने क्या किया, जो एमर्स था, ठीक है, लॉर्ड एमर्स द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसको अपॉइंट किया था ब्रिटिशर्स ने। ओके, सो उसने क्या बोला कि अब हम लोग क्या करेंगे, इन लोग के खिलाफ वॉर करेंगे म्यांमार के अगेंस्ट। द वॉर कंटिन्यूड फॉर 2 ईयर्स, इट इज़ नॉन एज द फर्स्ट एंग्लो वॉर। और ये जो वॉर लॉर्ड एमर्स ने डिक्लेयर किया था ये 2 ईयर्स तक कंटिन्यू रहा और इसे क्या बोला जाता है, फर्स्ट एंग्लो वॉर। ओके, द ब्रिटिश नेवी कॉन्कर द पोर्ट ऑफ रंगून यंगून इन दिस वॉर। तो ब्रिटिशर्स नेवी ने कॉन्कर कर लिया था पोर्ट रंगून। इट एंडेड विद अ ट्रीटी बिटवीन द ब्रिटिश एंड द बर्मिस किंग। और ये ट्रीटी देखो 2 साल चलने के बाद विद अ ट्रीटी ये ट्रीटी से एंड हो गया। ट्रीटी क्या होता है, अग्रीमेंट होता है। ओके, सो अग्रीमेंट हुआ बिटवीन ब्रिटिश एंड बर्मिस किंग और ये अग्रीमेंट में क्या हुआ, मणिपुर वॉज रिटर्न टू द ब्रिटिश। मणिपुर जो था कॉलोनी ब्रिटिशर्स का वो किसने कैप्चर कर लिया था, म्यांमार कॉलोनी। तो वो क्या किया गया इस ट्रीटी के बाद, इस अग्रीमेंट के बाद वो वापस से किसको दे दिया गया, ब्रिटिशर्स को ही। मणिपुर कौन ले लिया, ब्रिटिशर्स ही। द कोस्टल रीजन द फॉरेस्ट एंड द माइंस देयर कम अंडर ब्रिटिश रूल। तो जो कोस्टल रीजन्स थे, फॉरेस्ट एंड माइंस थे, वो किसके कंट्रोल में आ गए, ब्रिटिशर्स के। द ब्रिटिश कलेक्ट लार्ज सम ऑफ कंपेंसेशन अगेंस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर फ्रॉम म्यांमार। तो देखो कंपेंसेशन मतलब क्या होता है ना कि पेनल्टी। तो ब्रिटिशर्स ने लार्ज सम यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट लिया, बहुत ज़्यादा पैसा लिया एज अ पेनल्टी किससे, म्यांमार से। दे ऑल्सो अपॉइंटेड देयर रेसिडेंट इन इन्वा ऑल्सो नॉन एज आवा द कैपिटल ऑफ म्यांमार एट दैट टाइम। ठीक है, तो जो कैपिटल था म्यांमार का उस टाइम पर वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने रेसिडेंट भी अपना अपॉइंट कर लिया। द सेकेंड एंग्लो बर्मिस वॉर वॉज फॉर ड्यूरिंग लॉर्ड डेलहाउस टेंचर। टू ब्रिटिश इंडिविजुअल स्टेइंग इन बर्मा वर आस्क्ड टू पे अ फाइन बाय द बर्मिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो फर्स्ट एंग्लो वॉर तो ये हो गया कि उन लोग अटैक कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स अलर्ट हो गए, अलार्म हो गए, तो उन लोगों ने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया वॉर। बट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, सॉरी सेकेंड एंग्लो बर्मिस वॉर था, वो बहुत ही यू नो एक छोटी सी चीज़ पे था, बहुत ही इलॉजिकल था। क्या हुआ था कि जो 2 ब्रिटिशर्स रहते थे, इंडिविजुअल ब्रिटिशर्स, ओके, कोई ग्रुप नहीं था, 2 लोग जो ब्रिटिशर्स बर्मा में रहते थे उनको बर्मिस एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला था कि तुमको फाइन पे करना पड़ेगा कि तुम इधर क्यों रहते। द माइनर इंसिडेंट वॉज यूज एज अ प्रिटेक्स बाय डेलहाउस टू प्लान एन अटैक। तो दिस इतना छोटा सा इंसिडेंट, प्रिटेक्स मतलब क्या होता है कि बहाना, ठीक है, तो इतना छोटे से इंसिडेंट को बहाना बनाकर लॉर्ड डेलहाउस ने क्या किया, प्लान कर लिया अटैक कि हम लोग किस पर अटैक करेंगे, आप म्यांमार पे। He declared war and sent an army to Myanmar with Commander George Lambert
एट इट्स हेड, ठीक है। तो इसने क्या किया, डॉल हाउस ने, कि डिक्लेयर कर दिया कि अब हम लोग इसके खिलाफ क्या करेंगे, वॉर करेंगे, और इसने अपने पूरा नेवी आर्मी सब भेज दिया वहाँ पर। द बर्मिस आर्मी वॉज डिफीटेड, ठीक है। तो उसने ऐसे सडनली अटैक कर दिया और बर्मिस आर्मी क्या हो गया, हार गया। द सिटीज ऑफ रंगून, पेगू एंड प्रोमो वर कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश, ठीक है। ये तीनों सिटी किसने ले लिया, कैप्चर कर लिया ब्रिटिशर्स ने, दिस रंगून, पेगू एंड प्रोम ब्रिटिशर्स ने ले लिया, ओके, कैप्चर कर लिया। दिस रीजन वॉज मर्ज इन द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। तो ये जो तीनों थे, रंगून, पेगू एंड प्रोमो, ये ब्रिटिशर्स के एम्पायर्स के साथ मर्ज हो गए, ठीक है, उसके साथ ही हो गए ये सारे। विद द विक्ट्री द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन द कोस्टल रीजन ऑफ मेरिमैक वॉज फर्मली एस्टेब्लिश, ठीक है। तो वो लोग ने जब ये सेकेंड एंग्लो वॉर जीत गया, तो उसके बाद उन लोगों ने अपना जो अपने आप को बहुत ही फर्मली, मतलब होता है कि स्ट्रांगली कहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिया, कोस्टल रीजन के पास मेनमार्क के। द ब्रिटिश आर्मी फाइटिंग दिस वॉर वॉज कंप्राइज ऑफ इंडियन सोल्जर, नॉट ओनली दैट द एक्सपेंडिचर ऑफ दिस वॉर वॉज ऑल्सो ब्रोन बाय द इंडियंस। तो ये जो था वॉर, ठीक है, इसमें कौन थे, सोल्जर्स हमारे ही थे, इंडियन सोल्जर ही थे, उनको ज़बरदस्ती उसमें बोला गया था कि तुमको वॉर करना पड़ेगा, क्योंकि हम पे वो लोग क्या करते थे, स्लेव जैसे हमको बोलते थे, और ये तो करा ही, हमारे सोल्जर्स तो लेके गए ही थे ज़बरदस्ती से। बाकी इसके साथ ही साथ इन लोगों ने जो पैसा, इसका जो खर्चा आया था, वो भी किससे लिया था, इंडियन से ही लिया था, ठीक है, हमसे ही पैसा लिया था और उसके अगेंस्ट वॉर प्लान किया था और हमारे ही लोगों को लेके गया था कि इनको मारना है। सारी चीज किसकी थी, इंडियंस की ही थी, ओके। द फ्रेंच हैड ऑलरेडी क्रिएटेड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस इन वियतनाम, इंडो चाइना, देयर वॉज इंक्रीजिंग कॉन्टेक्ट बिटवीन द बर्मिस किंग एंड द फ्रेंच। तो देखो, फ्रेंच को ऑलरेडी बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंस था वियतनाम पे, क्योंकि वहाँ का जो किंग था, बर्मिस का किंग और फ्रेंच का बहुत अच्छा रिलेशन था, उन लोगों का कॉन्टेक्ट बहुत अच्छा था, इसीलिए जो बाकी यूरोपियंस थे उन लोगों ने इसको नज़र में रखा था, बर्मिस को, कि कहीं ये फ्रेंच वालों से ही कुछ कॉन्टैक्ट, कुछ अग्रीमेंट करके ना ऐसा कर ले कि इसका ही कॉलोनी बन जाए, ये फ्रेंच का ही कॉलोनी बन जाए, इसीलिए पूरा उन लोगों में डर का माहौल था और सबने नज़र रखी थी बर्मिस पे कि कहीं ये कुछ ऐसा ना करते कि फ्रेंच को ही दे दे, अब हमको फोर्सफुली ही लेना पड़ेगा, ऐसे उनके मन में चल ही रहा था यूरोपियंस के। इन एडिशनल, और इसके सिवा, किंग थिबो ऑफ मेनमार्क ट्राई टू स्ट्राइक अ पैक्ट विद इटली एंड जर्मनी, ये तो हो ही रहा था। उसके बाद किंग थिबो ने क्या किया, फ्रेंच का जो किंग था उसने स्ट्राइक का पैक, यानी कि जो एक अग्रीमेंट था उसको रोकने की कोशिश किया, इटली और जर्मनी के साथ अग्रीमेंट को उसने स्ट्राइक करने का ट्राई किया। दिस वर रीजंस इनफ फॉर द ब्रिटिश टू फील अलार्म। तो इतना सब कर रहा है, इसके फ्रेंच से कॉन्टैक्ट इतने बढ़ रहे हैं बर्मिस किंग के, और हमारा स्ट्राइक पैक भी स्ट्राइक कर रहा है, तो इससे ब्रिटिशर्स को क्या लगा कि अलार्म, अब तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ऐसे उन लोगों अलार्म हो गए थे। They got to pretext to declare war against King Thibaw when he leave fine on the Bombay Burma Trading Corporation, a British company. तो देखो, इन लोगों को, ब्रिटिशर्स को एक बहुत ही अच्छा मौका, यू नो, प्रिटेक्स, एक बहुत ही अच्छा रीज़न मिल गया था कि वो लोग डिक्लेयर करते बर्मिस के खिलाफ वॉर, क्योंकि उसने क्या किया था, बर्मिस किंग जो था थिबा, उसने लीव फाइन, उसने टैक्स लगाया था किस पर, बॉम्बे बुर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पे, जो किसकी कंपनी थी, ब्रिटिशर्स की, उस पर उसने क्या किया था कि टैक्स पे करने उनको बोला था। लॉर्ड डफरिन द गवर्नर जनरल एंड वाइसरो ऑफ इंडिया टुक दिस अपॉर्चुनिटी एंड सेंट आर्मी टू अटैक बुर्मा। तो मौके की तलाश में ही थे वो लोग कि कुछ तो करें ये बर्मिस वाले, कि हम लोग इन लोगों पे अटैक करें और इनका पूरा रीजन पूरा कैप्चर कर ले, और ये सब करे ही जा रहा था थिबाओ के किंग, करे ही जा रहा था, तो उनको अब एक बहुत अच्छा रीज़न मिल गया था। द लॉर्ड डफरिन उसने क्या किया कि अटैक कर दिया किस पे, बुर्मा पे, द थर्ड एंग्लो बर्मिस वॉर, और ये क्या था, द थर्ड एंग्लो बर्मिस वॉर वॉज फॉट अराउंड 1885 CE। द ब्रिटिश कॉन्क्वर्ड द सिटी ऑफ मंडला, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो सिटी था मंडला उसको कैप्चर कर लिया, किंग थिबाव सरेंडर, ठीक है, अब किंग ने भी क्या किया था, सरेंडर कर दिया था ब्रिटिशर्स को, एंड द इंटायर रीजन ऑफ नॉर्थ म्यांमार बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। पूरा जो था वो किसके अंदर आ गया था, इंटेग्रल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था वो ब्रिटिश एम्पायर का, और उन वो जैसा चाहते थे वैसा हो गया था, कि अब उनकी ये क्या हो गई, ये पूरी कॉलोनी बर्मिस किसका हो गया, ब्रिटिशर्स का। इन 1935 एन एक्ट वॉज पास टू सेपरेट म्यांमार फ्रॉम इंडियन टेरिटरी। तो इन 1935 में सेपरेट हो गया म्यांमार इंडिया से, ओके। म्यांमार वॉज इंस्पायर्ड बाई द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड गेन इंडिपेंडेंस इन
1948। और देखो म्यांमार बहुत इंस्पायर था हमारे आइडियाज से, हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनसे, और इवेंचुअली म्यांमार को भी इंडिपेंडेंस मिल गया था 1948 में। ओके ओके, नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे नेपाल। सो नेपाल वॉज अ स्मॉल किंगडम इन हिमालय रीजन। द ब्रिटिश हैड सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू नेपाल बट दे डिड नॉट रिसीव एनी फेवरेबल रिस्पॉन्स। इट लेड टू द टू एंग्लो नेपालीज वॉर्स। सो देखो नेपाल एक छोटा सा किंगडम है ओके हिमालयाज में, और ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर अपने बहुत से रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा था कि जाओ तुम लोग नेपाल वाले से कॉन्टेक्ट करो कि हम यहाँ पे अपना ट्रेड कर सकते हैं या हमारा बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं ऐसा कुछ। लेकिन ब्रिटिशर्स को कुछ भी उनके फेवरेबल जो उनको मदद कर सके ऐसा कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला था, इसीलिए उन लोगों ने यू नो हम लोग बोलते हैं ना ऐसे एकदम खुन्नस में आकर उन लोगों ने क्या किया कि दो एंग्लो नेपालीज वॉर हुए। ओके द गुड़का आर्मी हैड मेयरली, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड़का मतलब क्या होता है, नेपाल की जो आर्मी है उसको क्या बोलते हैं गुरखा। ओके इट्स गुरखा। ओके गुरखा आर्मी, नेपाल के जो आर्मी लोग आर्मी वाले हैं उनको क्या बोला जाता है गुरखा आर्मी। सो नेपाल की आर्मी के पास मुश्किल से 10 to 12,000 सोल्जर्स थे, जबकि वहाँ पर ऑन द अदर हैंड ब्रिटिशर्स के पास कितने थे, उनके डबल, ब्रिटिशर्स के पास 30,000 सोल्जर्स थे और इनके पास गुड़गा वालों के पास कितने थे, सिर्फ 10 to 12 थे, मुश्किल से वो भी 10 to 12,000 सोल्जर्स थे लेकिन ब्रिटिशर्स के पास 13,000 थे। ओके द ब्रिटिशर्स अटैक नेपाल, और ब्रिटिशर्स ने क्या किया नेपाल को अटैक कर दिया। द नेपालीज आर्मी ब्रॉट द ब्रिटिशर्स आर्मी टू द पॉइंट ऑफ डेस्पिरेशन। ओके मतलब कि जो नेपालीज आर्मी थी, ठीक है जो नेपाल की आर्मी थी, उन लोगों ने इतने कम थे वो लोग, ठीक है 10 to 12,000 ही थे, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो ब्रिटिशर्स के पास 30,000 आर्मीज थे उन लोगों का भी क्या किया, इतनी स्ट्रांग थी नेपाल की आर्मी, इतनी पावरफुल थी कि उन लोगों ने ब्रिटिशर्स का बहुत बुरा हाल कर दिया था। पॉइंट टू दी डेस्पिरेशन मतलब कि उन लोगों का बहुत ही बुरा हाल हो गया था नेपाल की आर्मी के सामने, ब्रिटिशर्स की आर्मी का। द ब्रिटिशर्स इट वॉज डिफीटेड बाय द नेपालीज एट मकवानपुर इन 1896। तो फाइनली क्या हो गया कि नेपालीज ने क्या कर दिया, ब्रिटिशर्स को हरा दिया मकवानपुर इन 1896 में। द ब्रिटिश हैड टू ओवर द रीजन्स ऑफ, वेट अ सेकेंड, हाँ सो द ब्रिटिश हैड टू ओवर द रीजन्स ऑफ तेराई कुमानन एंड गर्खवल टू द नेपालीज। ठीक है तो ये सारे रीजन्स ऑफ तेराई कुमान एंड गरवाल किसने दे दिया, ब्रिटिशर्स ने नेपाल को दे दिया। ओके अ ब्रिटिश रेसिडेंट वॉज अपॉइंटेड एट काठमांडू इन 1923। द ब्रिटिश एक्सेप्टेड द सवेरियन ऑफ नेपाल। तो इन 1923 में ब्रिटिशर्स ने क्या कर लिया कि हाँ ठीक है नेपाल तुम क्या हो, सेल्फ रूलिंग स्टेट हो, ऐसे बोल के उनको छोड़ दिया। ओके सिक्किम, द ब्रिटिश गोल वॉज टू गेन कंट्रोल ओवर इंडियाज नेबरिंग रीजन्स। ठीक है तो ब्रिटिशर्स का गोल क्या था कि इंडिया में और इंडिया के जो नेबर कंट्रीज है वहाँ पर सब क्या होना चाहिए, हमारा ही कॉलोनी होना चाहिए। उन लोगों ने इंडिया को ऑलरेडी कॉलोनी बना ही लिया था, सो जो अब नेबर कंट्रीज थे वहाँ पर उनकी नजरें थी। सिक्किम वॉज अ स्मॉल किंगडम ऑन द नॉर्थ बॉर्डर ऑफ इंडिया। ओके विच वॉज सराउंडेड बाय भूटान, बंगाल, नेपाल एंड तिब्बत। In 1885, the king of Sikkim handed over the region around Darjeeling to the British. In return, the king was granted certain amount as a privy purse. तो देखो in 1885 ने जो सिक्किम का किंग था उसने क्या किया कि जो दार्जिलिंग के अराउंड का एरिया था वो ब्रिटिशर्स को दे दिया। ओके और इन रिटर्न किंग को क्या मिला, सिक्किम के किंग को ब्रिटिशर्स ने क्या दिया, प्रीवी पर्स में से कुछ अमाउंट दिया, सर्टेन अमाउंट दिया। प्रीवी पर्स क्या होता है देखो आप इन सिंपल लैंग्वेज समझ जाओ कि प्रीवी पर्स क्या होता है, जो भी रॉयल फैमिलीज होती है उनके एक्सपेंसेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसमें से ही होता है, प्रीवी पर्स में से, और उसका कुछ पैसा किसको दे दिया गया था, सिक्किम के किंग को। ओके द लॉर्ड लेटर द लॉर्ड डेलहाउस सेंट आर्मी टू सिक्किम एंड टुक होल्ड ऑफ सम मोर रीजन्स ऑफ सिक्किम। तो देखो ये किसी के भी नहीं थे ब्रिटिशर्स, पहले सिक्किम के किंग ने तो उनको दे ही दिया था दार्जिलिंग के अराउंड का एरिया, बट लेकिन बाद में डेलहाउस ने क्या किया कि उसको जितना था उसको क्या था कि सिर्फ मेरी ही सुप्रीमेसी रहे। तो उन लोगों ने क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने अपने और आर्मी को भेजा सिक्किम में, और जो आर्मी के और भी मोर एरियाज मोर रीजन्स, ओके तो वो किसने होल्ड कर लिया, सिक्किम ने ले लिया, सॉरी ब्रिटिशर्स ने ले लिया सिक्किम के रीजन्स को, और भी रीजन्स को उसने अपने कंट्रोल में कर लिया फोर्सफुली। दिस थ्रू ओपन द सिक्किम मार्केट टू द ब्रिटिश ट्रेडर्स एंड ऑथराइज द ब्रिटिश टू कलेक्ट ऑक्रॉय ऑन द इंडियन तिब्बत ट्रेड। तो इसकी वजह से जब ब्रिटिशर्स के इतने सारे हो गए हैं
रीजन्स उनकी कॉलोनीज बन गई है। तो इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स का बहुत ही ओपन मार्केट हो गया था, बहुत ही इजी हो गया था उन लोगों के लिए यहाँ पे सिक्किम में ट्रेड करना। ओके और उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, जो 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 ऑकराई होता था, देखो ऑकराई एक प्रकार का टैक्स होता है, ठीक है। सो ऑकराई भी कौन कलेक्ट करता था, ब्रिटिशर्स। ओके इंडियन एंड तिब्बत ट्रेड पे इन 1886 द तिब्बतियंस ट्राई टू कैप्चर सिक्किम। तो देखो क्या हुआ, जब तिब्बतियंस ने ट्राई किया कि हम लोग कैप्चर कर ले सिक्किम, तो उनको ऐसे कैसे छोड़ दे ब्रिटिशर्स की, तुमने हमारे कॉलोनी पे ट्राई किया कैप्चर करने का हमारी कॉलोनी को। तो उसके बाद उन लोगों की यू नो आर्ग्यूमेंट्स ये सब वगैरह चालू हो गया था। उसके बाद 1890 में ट्रीटी बिटवीन ब्रिटिश एंड द चाइना, इट वाज अग्रीड दैट द सिक्किम अ ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट। देखो तो 1890 में ट्रीटी मतलब अगेन क्या होता है, एग्रीमेंट। तो चाइना और ब्रिटिशर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि ठीक है अब सिक्किम किसके रहेगा, ब्रिटिशर्स का रहेगा। देखो यहाँ पे जो वर्ड है प्रोटेक्टोरेट, इसका मतलब क्या होता है कि अ सिटी अ स्टेट कंट्रोल बाय अदर स्टेट, ठीक है। स्टेट किसी और कर लेकिन उसे कंट्रोल कोई और स्टेट करता है। तो ये ट्रीटी में उन लोगों के एग्रीमेंट हुआ कि क्या होगा कि सिक्किम पे किसका राज होगा, ब्रिटिशर्स का। इन दिस वे द ब्रिटिश कुड एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द टी गार्डन्स इन दार्जिलिंग। तो देखो जब ये भी इन लोगों के पास है, सिक्किम का भी पूरा रूल किस कौन कर रहा है, ब्रिटिशर्स, तो वहाँ पे जो दार्जिलिंग में टी गार्डन्स है उसकी सिक्योरिटी अब और भी यू नो ब्रिटिशर्स के लिए एकदम ध्यान रखते थे वो लोग, और उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे था, ब्रिटिशर्स पे ही था। सिक्किम वॉज मेड अ बफेट जोन एंड द ब्रिटिश टू कंट्रोल ऑफ द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरन पॉलिसीज ऑफ सिक्किम। तो सिक्किम का जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन था और जो फॉरेन पॉलिसीज थी, अब उस पर भी किसका कंट्रोल है, ब्रिटिशर्स का। यानी कि इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन और फॉरेन पॉलिसी भी कौन मैनेज करेगा सिक्किम का, ब्रिटिशर्स। हाउएवर द सोवेरियन स्टेटस ऑफ सिक्किम वाज मेंटेन। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जो सो कॉल्ड, देखो क्योंकि सब तो ब्रिटिशर्स के अंडर में ही था, लेकिन फिर भी क्या बोल रहे हैं सिक्किम को कि नहीं तुम लोग सेल्फ रूलिंग स्टेट हो, तुम लोग का ही देखोगे, बस उनको ऐसा बोल दिया जा रहा था। ओके बट बोला भी जाता लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें जो थी कि हाँ चलो ये कर लो वो कर लो, लेकिन ऑलमोस्ट कौन ही रूल कर रहा था, पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स ही कर रहे थे। बस थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो सिक्किम वाले खुद के लिए कर रहे थे। अ प्लेबिसाइट वाज हेल्ड इन द 1975 एंड द पीपल ऑफ सिक्किम वोटेड फॉर द मर्जिंग इन द इंडियन रिपब्लिक। डज द सिक्किम बिकम अ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट इन द इंडियन फेडरेशन। तो देखो ये जो दिया है आप लोगों को प्लेबिसाइट, इसका मतलब क्या होता है कि वोट लेना, ठीक है। तो जो नॉर्मल कॉमन पीपल थे वहाँ पे उन लोगों का 1975 में वोट लिया गया और सबने क्या बोला कि हमको इंडियन रिपब्लिक में क्या होना है, मर्ज होना है, उनके साथ आना है। एंड इसीलिए सिक्किम क्या हो गया, इंडियन फेडरेशन का स्टेट बन गया, ठीक है। तो सिक्किम और इंडिया साथ में आ गए थे। ओके इसके बाद ही जब ये वोट हुआ सब लोगों ने बोला कि हमको इंडिया के साथ ज्वाइन होना है, उसके बाद इंडिया और सिक्किम साथ हो गए थे। ओके फेडरेशन मतलब क्या होता है कि एक साथ आके एकता से काम कर रहे थे सिक्किम और इंडिया। ओके भूटान, भूटान इज अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। हमें ये पता है कि हमारा नेबर कंट्री है भूटान, लोकेटेड नियर इट्स नॉर्थन बॉर्डर एंड टू द ईस्ट ऑफ द सिक्किम, ठीक है। इंडिया के नॉर्थ बॉर्डर पे और सिक्किम के ईस्ट पे। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैड रिकॉग्नाइज द ज्योग्राफिकल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ भूटान। तो जो हमारा इंडिया का जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था जिसे ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किया था, उसे समझ में आ गया था कि भूटान कितना सही प्लेस है, वहाँ पे ज्योग्राफिकली वो कितना अच्छा है और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी वहाँ से हमें बहुत अच्छी मिल सकती है। हैंस द एस्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशन विद दी कंट्री, ठीक है। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया था कि फ्रेंडली रिलेशनशिप यानी कि बहुत अच्छी बॉन्डिंग कर ली थी भूटान से ब्रिटिशर्स ने। इट हेल्प टू ओपन द ट्रेड रूट इट हेल्प द ओपन द ट्रेड रूट फ्रॉम बंगाल टू तिब्बत फॉर द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो इसीलिए इस जब उन लोगों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई तो ब्रिटिशर्स का जो ट्रेड रूट था वो सब भी बंगाल टू तिब्बत तक का बहुत ईजी हो गया था। इन 1841 एस्ले एडन टुक एन अग्रेसिव स्टैंड अगेंस्ट भूटान, देयर वॉज अ वॉर बिटवीन भूटान एंड द ब्रिटिश। तो देखो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन इन 1841 में एस्ले एडन जो उसने एक बहुत ही अग्रेसिव स्टैंड, ओके अग्रेसिव यानी कि वॉर हो गया था उन लोगों के बीच में, ब्रिटिशर्स एंड भूटान वालों के बीच में। दिस वॉर वॉज कंक्लूडेड विद द
treaty according to which the king of Bhutan surrendered the territories conquered by the British. ठीक है, तो देखो कॉन्क्लूडेड, ये वॉर एंड कैसे हुआ, ये वॉर शुरू तो हो गया था कि एस्ली आइडेन की वजह से, लेकिन ये वॉर एंड कंक्लूडेड यानी कि ये वॉर एंड कैसे हुआ, एक ट्रीटी के द्वारा. ठीक है, एक ट्रीटी साइन हुई उन लोगों के बीच में, एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें क्या था कि जो जो किंग है भूटान का उसने क्या किया, सरेंडर कर दिया सारी टेरिटरीज जो भी कॉन्कर की थी उसने, जो भी कब्जा किया था, जो भी अपने रीजन में अपने रूल में लाया था उसने क्या किया, वो सारी टेरिटरीज किसको दे दी, ब्रिटिशर्स को दे दिया वो सारे लैंड्स. एंड द किंग वॉज ग्रांटेड टू एनुअल सब्सिडी, और किंग को उसके बजाय ब्रिटिशर्स ने क्या दिया, मतलब दोनों पार्टी को देना होता है ना, तो किंग ने तो दे दिया सारे टेरिटरीज, ओके, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या दिया, उसको सब्सिडी दिया, एक अमाउंट दिया, पैसा दिया. ओके, लेटर इन अदर ट्रीटी इन 1910 द ब्रिटिश अग्रीड नॉट टू इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ भूटान एंड भूटान अग्रीड टू बी गाइडेड बाय द ब्रिटिश इन द एक्सटर्नल अफेयर्स. तो देखो उन लोगों के बाद एक और ट्रीटी हुई उन लोगों की जिसमें 1910 में, जिसमें क्या था कि ब्रिटिशर्स इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो भी इंटरनल मैटर्स है भूटान का वो खुद से ही देखेगा, उनको ज़बरदस्ती ये नहीं बोलेंगे तुमको ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, भूटान अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करेगा. एंड भूटान ने क्या बोला कि हमारे जो इंटरनल अफेयर्स होंगे, जो भी इंटरनल चीज़ें होगी वो हम लोग खुद करेंगे, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स जो भी इंटरनेशनल लोगों को कुछ होगा, कुछ सजेशन चाहिए रहेगा तो वो लोग ब्रिटिशर्स के गाइडेंस में कर लेंगे. ओके, In 1949, a treaty was signed between India and Bhutan, according to which India assumed a position of an advisory to Bhutan in the matters of defense and external affairs. तो उसके बाद देखो in 1949 में एक treaty India और Bhutan के बीच में भी settle हुई, okay? एक agreement हुआ उन लोगों के बीच में जिसके द्वारा उसमें क्या था कि India के पास अब position है कि वो कुछ भी हो उसमें internal affairs में इंडिया उसको एडवाइस कर सकता है. देखो पावरफुली उसको ये नहीं बोल सकता कि तुमको करना ही पड़ेगा, बट भूटान को इंडिया एडवाइस कर सकता है और डिफेंस कर सकता है. ओके, तिब्बत वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दलाई लामा. तो तिब्बत दलाई लामा के इन्फ्लुएंस में था. दलाई लामा कौन थे, जैसे कि देखो हिंदुनिज्म में पंडित होते हैं, मुस्लिम्स में कौन होते हैं, मौलाना होते हैं, एंड वैसे ही बुद्धिज्म में कौन होते हैं, मॉन्क होते हैं. और दलाई लामा जो थे वो कौन थे, द हेड मॉन्क ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म. ओके, वो वहाँ के हेड थे मॉन्क्स के. द ब्रिटिश वॉन्टेड टू हैव होल्ड ऑन तिब्बत फॉर अरेस्टिंग रशियन एडवांसमेंट एंड टू इंक्रीज देयर ओन राइट. तो ब्रिटिशर्स को ऐसा था कि रशिया कैसे इतना आगे बढ़ा, हमको इसको कैसे ना कैसे रोकना पड़ेगा, और इसीलिए उन लोगों को क्या था कि हमारा तिब्बत भी हमारे रूल में हो, क्योंकि तिब्बत और रशिया काफ़ी करीब है. ठीक है, तो अगर वो तिब्बत तक आ जाएंगे तो उनको रशिया भी हो ही जाएगा. ड्यूरिंग लॉर्ड कर्जन्स टाइम्स द ब्रिटिश मिलिट्री हैड रीच ल्हासा द कैपिटल सिटी ऑफ तिब्बत. तो लॉर्ड कर्जन्स के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने रीच पहुंच गए थे कैपिटल सिटी ऑफ तिब्बत तक के. वहाँ पे उन लोगों को क्या करना था, वो कॉन्क्योर करना था, इसीलिए वहाँ तक वो ऑलमोस्ट पहुंच गए थे कैपिटल सिटी तक. In 1907 एज पर द ट्रीटी बिटवीन इंग्लैंड एंड रशिया द पॉलिटिकल रूल ऑफ चाइना इन तिब्बत वॉज प्रिंसिपली एक्नॉलेज. तो देखो एक एग्रीमेंट साइन हुआ था इंग्लैंड और रशिया के बीच में जिसके द्वारा पॉलिटिकल रूल ऑफ तिब्बत किसके पास रहेगा, वो चाइना के पास ही रहेगा, और इसको बहुत ही प्रिंसिपली एक्नॉलेज, मतलब कि इसको एक्सेप्ट किया गया कि यहाँ पे तिब्बत में कौन रूल करेगा, चाइना ही करेगा. इट गिव अ लीवे टू चाइना टू क्लेम तिब्बत एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ चाइना. तो लीवे मतलब कि एक बहुत फ्रीडम मिल गई इसकी वजह से चाइना को कि हाँ अब तो हमारा ही यहाँ पे रूल होगा. और वहाँ पे किसने रूल किया, चाइना ने ही रूल किया. और वो किसके अंदर आ गया, तिब्बत चाइना के अंदर आ गया. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि तिब्बत क्या है, चाइना का एक पार्ट है. ओके गाइस, सो हम लोगों ने यहाँ तक का भी देख लिया है, तिब्बत यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया. अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले अफ्रीका, एंड इट विल बी आर लास्ट लेक्चर. ओके, सो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.